देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है। कौन नंबर? एक नंबर कह रहा है, इफ द लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ठीक है, इज हाल्फ ऑफ इट्स माइनर एक्स, इट इसेंट्रिसिटी इज, ठीक है, दीर्घ वृत्त का जो लेटस रेक्टम है, मतलब क्या है, नाभि लंब है, ठीक है, वो आधा है किसके, माइनर मतलब लघु अक्ष का आधा है। देखिए, सेमी माइनर एक्सिस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष। लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती है, 2b के बराबर होता है ना, ठीक है। देखिए, एक फिगर बांध रहा हूँ, कुछ ऐसा हमारा एलिप्स होगा, होगा कुछ एलिप्स, ठीक है। अब जो देखिए, ये तो बड़ा अक्ष हो गया, इसी को मेजर एक्सिस कहेंगे, और ये जो हमारा वाई एक्सिस एक्सिस का अलोंग है, ठीक है, यह हमारा क्या है, माइनर एक्सिस है, ठीक है, क्या है, माइनर एक्सिस है, ठीक है, यह हमारा माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। और लेटस रेक्टम देखिए, माने कि एक लेटस रेक्टम हो गया, यहाँ पर एस हो गया, और एक यह क्या हो गया, एस डैश हो गया, एस और एस ये दो फोकस है हमारा इलिप्स का। देखिए, ये जो है यह क्या है, इसको मानिए कि पी मान लेते हैं और पी डैश मान लेते हैं, पी या पी डैश है वो हमारा क्या है, लेटस रेक्टम है यानी नाभि लंब है, ठीक है। देखिए, नाभि लंब क्या होता है, वो देखिए फोकस यहाँ पर है, फोकस से पास हुआ कि नहीं, फोकस से पास हुआ, और देखिए ये जो ए एक्सिस है, मेजर एक्सिस, इसको लिख दे रहा हूँ मेजर एक्सिस, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितना होता है, 2a के बराबर होता है, और इसका टोटल लेंथ 2b के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, और कह रहा है ये जो पी पी डे से हमारा, वो लेटस रेक्टम है, ठीक है, जो लेटस रेक्टम होता है यह हमेशा अक्ष पर, देखिए लॉम्ब है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर, और फोकस क्या क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखिए, ये जो हमारा माइनर एक्सिस है, ठीक है, माइनर एक्सिस वो क्या है, जो माइनर एक्सिस का उसका क्या हाफ है, क्या पी पी डी एस, यानी जो लेटस रेक्टम है वो आधा है किसका, हमारा माइनर एक्सिस, ये जो माइनर एक्सिस है इससे अधिया में है, कौन, पी पी डी एस यानी नाभि लंब है। चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, आधा कर रहा है ना दीप, देखिए चूँकि हम जानते हैं, इधर फॉर्मर इधर आऊँ, जो लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स कितनी होती है, कितनी बराबर होती है, लेटस रेक्टम 2b² / 1 बराबर होता है, ठीक है। देखिए एक बात और, हम 2b² / 1 क्यों लिए, देखिए इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, ए है, कि यहाँ पर ए है, ए ग्रेटर ए बी से 12 है, इसको कहा जाएगा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए क्या है, बी से 12 है, इसलिए इसका जो लेटस रेक्टम होता है 2b² / 1 होगा। अगर हमारा मेजर एक्सिस क्या होता है, यह वाई एक्सिस का अनुदिश होता, हमारा फोकस यहाँ पर होता, तो हम क्या लेते लेटस रेक्टम 2a² b लेते, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या मेजर एक्सिस हमारा एक्सिस का अनुदिश है, तो हम क्या करेंगे, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला कितना लेंगे, 2b² / a लेंगे, ठीक है। देखिए, और जो हाल्फ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना है, 2b, तो दोनों बराबर है, ठीक है। देखिए, जो लेटस रेक्टम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स है, हाँ ये क्या है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या है, हमारा माइनर एक्सिस क्या है, आधा है। तो देखिए, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला कितना होता है, 2b² / वहाँ लिखे थे, और बराबर हाल्फ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना है, देखिए माइनर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस हमारा 2b है, और देखिए, और 2b का क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, 2b का आधा, हाफ कर रहा है ना, माइनर एक्सिस का आधा, 2b/2 हो गया। देखिए अब क्या करूँगा, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा,
टू बी स्क्वायर बराबर ए बी होगा, होगा ना। देखिए अब क्या करूँगा, देखिए जो स्क्वायर है स्क्वायर से क्या होगा, ए को बी कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टू बी बराबर ए, ए बराबर कितना है, टू बी के बराबर आएगा। ठीक है अब देखिए तो हमें पूछ रहा है कि इसेंट्रिसिटी इसका क्या होगा, मतलब हमको ई फाइंड करना है, क्या करना है ई फाइंड, ई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि जब जानते हैं ए बड़ा हो बी से तो रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर होता है, होता है ना। तो बी स्क्वायर देखिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखिए चूंकि देखिए इसको ए स्क्वायर करूँगा तो इसके भी तो स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा, फोर बी के स्क्वायर के बराबर होगा, हो गया नहीं, जरूर होगा। ए स्क्वायर की जगह पर कितना रिप्लेस करूँगा, फोर बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर होगा, होगा ओके। ये बी से ये बी क्या जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा एक, इधर बचा फोर, इधर बचा वन माइनस ई स्क्वायर इंटू में। ठीक है देखिए अब इधर ले रहा हूँ चूँकि चाहिए चूँकि नहीं, इधर देखिए इधर अगर मैं वन माइनस ई स्क्वायर पर बराबर दूंगा तो कितना आएगा, वन बाई फोर होगा कि नहीं, होगा जरूर होगा। तो आगे बढ़ाऊंगा इसको तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखिए अगर ई स्क्वायर पर मैं बराबर दूंगा तो क्या आएगा, वन में से क्या होगा, वन बाई फोर घट जाएगा, वन बाई फोर घटेगा तो ई स्क्वायर कितना जाएगा, ई स्क्वायर बराबर थ्री बाई फोर होगा कि नहीं, होगा जरूर होगा। इसलिए ई बराबर देंगे तो क्या होगा, रूट थ्री, रूट थ्री बाई देखिए रूट थ्री बाई फोर, तो रूट थ्री का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट थ्री हो जाएगा, रूट टू का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होगा, टू। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, ई बराबर रूट अंडर थ्री बाई टू, यही हमारा आंसर होगा जो आपको किताब में दिया, ऑप्शन नंबर डी सुधार लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा रूट थ्री बाई टू। ठीक है देखिए दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज वन बाई टू। देखिए जो मतलब इलिप्स है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, और जिसका फोकस कितना दिया है, पॉइंट दिया है माइनस वन कॉमा वन, क्या है इलिप्स का हमारा फोकस है माइनस वन कॉमा वन, और जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है मतलब जो हमारा नियता है, क्या है नियता है, वो क्या नियता जो नियता है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है नियता का समीकरण कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है एक्स माइनस वन प्लस थ्री बराबर जीरो एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज वन बाई टू। देखिए और उसका जो इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता वन बाई टू है। ठीक है तो हमको निकालना है क्या, इक्वेशन निकालना है किसका, एलिप्स का। ठीक है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जो देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक फिक्स्ड लाइन होता है, क्या होता है एक फिक्स्ड लाइन होता है। ठीक है मान के ये हमारा एलिप्स हो गया, ठीक है एलिप्स हो गया, एलिप्स हो गया। ठीक है देखिए ये जो हमारा फोकस दिया हुआ कितना है, माइनस वन कोमा वन, ठीक है इसका फोकस माने थे माइनस वन कोमा वन, इसका फोकस हो गया। और देखिए माने कि यहाँ पर कोई मूविंग पॉइंट क्या है, पी है, वो घूम रहा है। ठीक है पी कितना मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। ठीक है और जो यह है यह एम और एम डैस, इसको मैं क्या कर लूँगा, डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स है। देखिए ये जो एस है हमारा फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है फिक्स्ड पॉइंट, और यह क्या होता है फिक्स एम 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 डैस क्या होता है फिक्स्ड लाइन होता है। देखिए और यहाँ से यहाँ क्या होता है, देखिए हो गया लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया क्या क्या है दिया है वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन गिवन दिया क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है कितना दिया है, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो इतना दिया है, एंड फोकस कितना दिया है, एंड फोकस कितना दिया है उसका, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है कितना, माइनस वन कॉमा वन। ठीक है लेट मूविंग पॉइंट क्या है हमारा, मूविंग पॉइंट पॉइंट पी, इसको क्या है
एक्स कोमा वाई, चूँकि जो हमारा पी इसको एन मान लेते हैं, ठीक है, पी एन जो हमारा पी एन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एम एम डैश पर, ठीक है। एम एम डैश क्या है, फिक्स्ड लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर है क्या, पी एन परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, हमको क्या दिया है, इसका समीकरण निकालना है, इसेंट्रिसिटी ई का मान निकालना है ना। देखिए हमको इसका समीकरण दिया हुआ, देखिए तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण दिया है और फोकस दिया है और मूविंग पॉइंट पी को, पी कितना एक्स वाई, इसमें संबंध क्या होता है, देखिए इलिप्स का एक डिफिनेशन कितना होता है, पी एस बटा पी एन होता है, बराबर किसको, ई के, चूँकि ई का मान कैसा होना चाहिए, जीरो और वन के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको पी एस बराबर ई पी एन लिखा जा सकता है, ये पी एस क्या है, पी एस को कहा जा सकता है, देखिए यहाँ पर की तरह, चूँकि पी एस बराबर क्या है, वो हमारे फिक्स्ड फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट पी की बीच की क्या है, दूरी है, और जो हमारा पी एन है वह क्या है, क्या है, पॉइंट पी से पॉइंट पी यानी एक्स कोमा वाई से नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स, इसको हिंदी में क्या कहता है, नियता, ठीक है, नियता, ठीक है, जो ये नियता है, नियता पर क्या है, लंब है कि नहीं, वह लंब है, लंब की लंबाई दूरी, ठीक है, लंबाई दूरी होती है, ठीक है, यही तो निकालना है। और ई क्या होता है, ई तो आपको मालूम है, ई उत्तरदाता होता है, चूँकि पी एस बराबर ई पी एन है, ठीक है, तो पी एस, देखिए जो पी एस था वो हम क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो कितना होगा, इधर फिगर बांध रहा हूँ, आसान होगा देखने में, देखो फिगर पहले मैं बना दिया हूँ, ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए तेज़ बनाने के, देखिए यहाँ पर कितना था, माइनस वन कोमा वन था, यहाँ पर पी कितना था, एक्स कोमा वाई था, और ये लाइन कितना था, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री। देखिए ये फिगर आप लोग मत लिखिएगा, जो पहले मतलब फिगर में बता दिया वही ठीक है, इसको मतलब दिखाने के लिए लिखा हूँ, आप लोगों को अधिक समझ आएगा, ठीक है। देखिए अब देखो पी एस है, यानी पी एस, यहाँ पर एस था पी एस, इसको पी एस के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना होगा, रूट अंडर कितना होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देगा, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, तो एक्स में से एक्स माइनस माइनस वन घटेगा तो कितना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस देखिए वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर ई, ई का मान कितना दिया हुआ था दोस्तों, वन बाई टू दिया था। और देखिए अब पी एन, पी एन कैसा निकलता है, पी एन जो ये नियता है, इस पर परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस कितना निकलता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका या पी एन यानी पी एन, पी एन के जो डिस्टेंस निकलता है, लंबी दूरी होते हुए कितना होता है, अगर समीकरण दिया है कितना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो दिया हुआ है समीकरण, तो इसका डिस्टेंस कितना निकलता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरफ निकलता है ना, आप लोग तो मालूम है, स्टेट टाइम में पढ़े हुए लोग, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बटा रूट अंडर, देखिए एल एम क्या है, हमारा एक्स और वाई का कोफिशियंट है यानी गुणांक है, गुणांक का स्क्वायर करेंगे, देखिए एक्स का गुणांक कितना है, वन, तो वन का स्क्वायर वन, और प्लस वाई का कितना है, वाई का कितना है गुणांक, माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, ठीक है। देखिए अब क्या करूँगा, इधर दिख ले रहा हूँ,
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर, देखिए वन बाई टू इंटू ये कितना होगा एक्स माइनस वन प्लस थ्री, ये कितना रूट टू होगा, हुआ कि नहीं। अब क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है आप लिख लीजिएगा लोग, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, देखिए स्क्वायर करूँगा तो यह रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ पूरा फैया कर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सॉरी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए अब इसका स्क्वायर करूँगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, वन बाई टू था एक्स माइनस वाई प्लस थ्री बराबर टू था, अब इसका क्या करूँगा, इसका पूरा का टोटल स्क्वायर करूँगा करूँगा ना, तो ये टू से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा वन बाई फोर होगा, होगा नहीं होगा जरूर होगा, देखिए यह एक्स माइनस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और रूट का रूट कितना होगा, रूट टू का स्क्वायर होगा तो कितना होगा टू होगा, होगा कि नहीं, देखिए अब क्या करूँगा मैं कि ये क्या नाम, देखिए अब इसका लिख लेंगे सूत्र से, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स हो जाएगा प्लस वन होगा, होगा कि नहीं जरूर होगा, इसका वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन होगा, यह कितना होगा वन बाई एट हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसका एक्स माइनस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, चूँकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, चलिए लिख देता हूँ, चूँकि मैं सब बता दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है कितना होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है, देखिए इसमें सब पॉजिटिव है, यहाँ पर सब पॉजिटिव है, लेकिन और जहाँ जहाँ इसमें माइनस है तो इसमें माइनस डालना पड़ेगा, देखिए क्या होगा, तो दिया कितना एक्स स्क्वायर लिख लूँगा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई और प्लस टू हो गया, इसको यहाँ पर लिख लिया हूँ, देखिए जो एट है इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एट से, ठीक है अब देखिए ए बी सी स्क्वायर है तो पूरे स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह कितना होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, यह नाइन होगा, अब देखिए खेल कहाँ पे, यहाँ प्लस टू ए भी है तो देखिए प्लस होगा टू 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 हो गया, ए कितना एक्स अभी कितना है माइनस है माइनस वाई, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई, उसी तरफ देखिए प्लस है प्लस टू बी सी, बी कितना है माइनस है तो इसीलिए हमारा माइनस हो जाएगा, कितना होगा टू टू बी सी, टू बी कितना है वाई है सी कितना है सिक्स थ्री है तो कितना देगा सिक्स सिक्स हो जाएगा सिक्स वाई, देखिए अब प्लस टू सी सी कितना है प्लस थ्री है ये कितना है प्लस वन प्लस एक्स है तो कितना ये भी प्लस हो जाएगा तो कितना सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है देखिए ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन वाई प्लस टू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस टू एक्स वाई माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स एक्स, देखिए अब बराबर तोड़ूँगा तो यह जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड में लाऊँगा, लेफ्ट साइड में तो क्या होगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है तो देखिए एट एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन वाई प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस नाइन प्लस टू एक्स वाई प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स एक्स, देखिए बराबर जीरो, देखिए अब देखिए अब घटाएंगे एट एक्स स्क्वायर में से एक एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना होगा सेवन एक्स स्क्वायर, इसी तरह होगा सेवन वाई स्क्वायर, आप लोग घटा लीजिएगा ठीक है सेवन वाई स्क्वायर और कितना होगा
प्लस 16x वाला कितना, माइनस 6x कितना होगा, प्लस 10x होगा। अब माइनस 16y और प्लस 6 कितना, प्लस 6y तो कितना होगा, माइनस 10y। अब देखिए और एक्स वाई कितना बचा, 2xy। और जो अब अचर पैदा हुआ क्या है, अचर पद इधर 2 है, इधर कितना है, 9 है, 2, 9 और अचर पद है, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, माइनस 7। देखिए प्लस 2xy इधर कितना है, प्लस 2 है, इधर माइनस 9 है, कितना है, माइनस 7 हो जाएगा, बराबर 0। हमारी इक्वेशन कितना हो गया, इसको सुधारने का तरीका देखिए, 7x² प्लस 2xy प्लस 7y² प्लस 10x माइनस 10y और माइनस 7 बराबर 0। देखिए और यही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन जो कि जो किताब में 2 नंबर का ऑप्शन ए दिया था वहाँ प्लस 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस 7 है, उसको माइनस 7 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 नंबर, कोर द सेंटर ऑफ द एलिप्स 8x² प्लस 6y² माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और जो उसका पूछ रहा है उसका सेंटर क्या होगा, यही तो मालूम करना है। तो देखिए अगर x माइनस देखिए चूंकि हम लिख दे रहा हूँ, देखिए सॉल्यूशन सेंटर करा, सेंटर अगर दिया हो तो सेंटर वाला क्या था फॉर्मूला, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं। देखिए इतना हमारा इक्वेशन होता है कब, जब हमारा सेंटर दिया होता है और इक्वेशन एलिप्स का दिया हुआ होता है तब, ठीक है। लेकिन देखिए सेंटर निकालना है तो अल्फा और बीटा हमारा क्या है, यही तो हमारा सेंटर है, यही निकालना है। अगर इस इक्वेशन को मैं इस रूप में लाकर उस अल्फा बीटा का मान निकाल लूँगा तो क्या हमारा सेंटर मान नहीं चल जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं हल करता हूँ, देखिए इक्वेशन दिया है कितना, 8x² प्लस 6y² माइनस 16x प्लस 12y प्लस 13 इज इक्वल 0। देखिए अब x वाला का एक जगह लिखूंगा, 8x² माइनस 16x प्लस 6y², ठीक है, 6y² प्लस कितना होगा, 12y प्लस 13 इज इक्वल 0। देखिए इस इक्वेशन से मैंने बहुत आसान तरीके से बताया हूँ किस तरफ निकाला जाता है। देखिए ये हमारा 8 हो गया, इसे कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x² माइनस 2x होगा कि नहीं, जरूर होगा। यहाँ पर 6 कॉमन लूँगा तो y² प्लस 2y होगा, यहाँ पर कितना बचा, प्लस 13 बराबर 0 बचा। देखिए अब क्या करूँगा, 8 है क्यों, इसमें से 8 में कॉमन लिया हो, क्या लिया हो कॉमन, क्या होगा, देखिए x² हो जाएगा माइनस 2, ये कितना है x है, और b मालूम नहीं तो ये अपना मन से b लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला चाहिए ना, कुछ फॉर्मूला निकले उससे। देखिए x² माइनस 2ab, देखिए प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, क्योंकि स्क्वायर करूँगा तो वही होगा प्लस 1, क्यों, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² हो गया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में ला दिए। देखिए अब इसमें भी वही करूँगा मैं, ये कितना y² प्लस 2 ए कितना वाई है और बी मालूम नहीं जाता, b1 क्यों, 2y1 में मतलब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y के बराबर हो जाएगा। देखिए अपना मन से 1 जोड़ा, अपना मन से 1 घटाया, ठीक है, प्लस 13 बराबर 0। अब देखूँगा मैं 8, देखिए दोस्तों इसमें से कॉमन लिया हो तो इसमें देखिए 8 से गुना करूँगा तो 8 में भी 1 से गुना होगा और माइनस 1 में 8 भी 8 से गुना होगा, तो हमको सिर्फ कितना चाहिए, इतना ही चाहिए तो x² माइनस 2x प्लस 1² करूँगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए अब इस पर कोष्ट घेरूँगा तो यहाँ पर माइनस लेके, देखिए
माइनस एट से गुना करूँगा इसमें तो माइनस एट बाहर निकलेगा, प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसमें भी क्वेश्चन करूँ करते हैं माइनस वन है तो माइनस वन किसके साथ बाहर निकलेगा, माइनस सिक्स के साथ, ये मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, ये सिक्स तो कॉमन है उसमें से, इसलिए प्लस थर्टीन बराबर जीरो। देखिए अब एट हो गया, यह किसका फार्मूला है, एक्स माइनस वन का फार्मूला प्लस, यह किसका फार्मूला है, वाई प्लस वन का फार्मूला है कि नहीं है। देखिए अब छ छ बारह, बारह दो चौदह माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन इज इक्वल जीरो है। अब एट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, यह कितना होगा, माइनस वन होगा कि नहीं, जरूर होगा, बराबर जीरो। देखिए अब क्या करूँगा, एट हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको इधर खरीदूंगा तो कितना प्लस वन हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो मैं बताया था, देखिए ऊपर देखिए फार्मूला बराबर वन तो आ गया, अब इसको एक्स माइनस, देखिए एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस अल्फा है, वाई माइनस कितना है, फार्मूला के रूप में लाएंगे तो यदि इधर माइनस करूँगा तो माइनस वन क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस वन होगा, ठीक है। देखिए कितना होगा अब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कितना होगा, वन बाई एट हो गया, होगा कितना, ये वन बाई एट क्यों, क्योंकि वन बाई ये मेन हमारा जो मेन बाटा है, अगर उसको डिवाइड करूँगा वन बाई एट से तो क्या इतने के बराबर आ जाएगा, अब प्लस सिक्स। देखिए अब सिक्स सिक्स इंटू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस वन बराबर दूंगा वन प्लस वन का होल स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा, वन बाई सिक्स हो जाएगा, यह कितना होगा, वन होगा, ठीक है। तो देखिए इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे देखिए हमको क्या सेंटर ही निकालना है, तो इसको एक्स मानूंगा इसको वाई मानूंगा, तो सेंटर कितना होता है, अगर एक्स देखिए सेंटर कितना निकलता है, इसको एक्स बराबर जीरो मानूंगा और इसको कैपिटल वाई बराबर जीरो मानूंगा, ठीक है। तो एक्स कितना है, एक्स माइनस वन का जीरो है, और जो वाई है कितना, वाई प्लस वन का कितना है, इक्वल जीरो है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन होगा कि नहीं होगा। देखिए यही जो हमारा यही एक्स वाई आया है, यह क्या हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं सॉरी 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 ओरिजिन नहीं वो सेंटर है। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता है क्या, यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट बताता कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। देखिए सॉरी दोस्तों फोन आ जाएंगे चलते मैं डिस्टर्ब हो गया। देखिए जो एक्स माइनस वन है, देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कितना है, उसके बाद कितना वन बाई एट है, उसके बाद वाई माइनस माइनस कितना, तो अभी वही नहीं है, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है, यही हमारा क्या होगा, आपका आंसर हो गया। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, बोले सेंटर पूछा था सेंटर कितना हो जाएगा, वन कोमा माइनस वन, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जो अब चार नंबर क्वेश्चन है, देखिए कोरा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो द्विबीड का समीकरण निकालना हुज फोकस इज, फोकस उसका दिया है सिक्स कोमा सेवन, और डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल जीरो, एंड इसेंट्रिसिटी कितना दिया वन बराबर थ्री दिया है, ठीक है। देखिए अब क्या करूँगा, देखिए अगर फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया होता है, मतलब नाभि दिया है, नियता दिया हुआ है और उसका ई का मान दिया, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, मैं देखिए जो मैं बताया हूँ कौन बताया हूँ, हाँ दो, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ सेम यही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम दो की तरफ, अब फिगर बना दिया क्वेश्चन नंबर दो जिस तरफ फिगर बनाए थे, सिर्फ उसे फोकस चेंज करना है, इसेंट्रिसिटी का मान चेंज करना है और डायरेक्ट्रिक्स का मान चेंज करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, देखिए पी एस बटा पी एन आएगा बराबर ई, ठीक है, इसको लिखा जाएगा पी एस बराबर ई पी एन, ठीक है। इसको डिस्टेंस निकालूंगा कितना, फोकस है, देखिए डायरेक्ट हो गया या पी हो गया, एक्स कोमा वाई हो गया, या फोकस सिक्स कोमा नहीं दिख रहा है,
हमें दिख रहा है दोस्तों, रुकिए दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये इसका समीकरण कितना कितना दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस टू बराबर जीरो दिया है। तो एक्स माइनस कितना होगा, एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर बराबर ई कितना मान दिया है, देखिए स्क्वायर कर दिया हूँ दोनों तरफ स्क्वायर किया हूँ तो रूट हट गया है, या डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना रूट रूट आएगा, रूट का अंदर सही सब आएगा, तो स्क्वायर मैंने स्क्वायर कर दिया हूँ इसलिए रूट हट गया, तो इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो वन बाई थ्री होगा, और कितना एक्स प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर होगा। अरे देखिए इसका कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका गुणांक होगा, गुणांक होगा तो कितना होगा, रूट टू होगा, रूट टू का स्क्वायर टू होगा, ठीक है। एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर बराबर वन बाई सिक्स, ठीक है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई प्लस टू फोर एक्स, देखिए दोस्तों इस तरफ इक्वेशन होगा, आप लोग इक्वेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर सही है, सेम टू सेम दो की तरह है, ठीक है दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा इसका।